यो भाई डांस करे बहुत तगड़ा। देखना भाई थोड़ा हल्ला लगाओ करते कैसे करे कोको। वो आ गई भाई कोको तुरंत आ गई। बस भाई हाथ आने वाला पकड़ लिया पकड़ लिया। दोनों गैंग के बीच फाइट वाइट ना हो जा। पीछे से भाई टाइगर गैंग चल रही। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस बिल्कुल अभी शो का उठा रोको देखो रोको अभी तक सोन लग रहा। रोको खड़ा हो जा। हेलो भाई यहां से हो जा भाई लेन लग रहा। खड़े हो जाओ सारे सारे सुबह होगी। नहीं रोको इंसानों की तरह लेट रहा बिल्कुल। आजा खड़ा हो जा गाइस। कोको हमारी लेट रही अभी भाई अंगड़ाई तोड़न लग रही। तो गाइस बाहर आते हमारा चिंटू मिल गया। और गाइस सिम्बा से पंगे ले रहा है सामने इसका दुश्मन खड़ा ना। इसके आज भाई सिम्बा के साथ दोस्ती करो। अम्मा आ गया सिम्बा। हां चिंटू दोस्ती करवा दो इनकी। थोड़ी बहुत देर मैंने की सारी नींद से उतर जाएगी। फिर भाई ने ऊपर ले जा खाना वाना दूंगा। बस भाई एक बार यहाँ से सारा ताम जा मटने की देर है। फिर भाई बढ़िया जगह हो जाएगी एक्सरसाइज करवाने की। यहीं पे भाई की ट्रेनिंग करवाया करूंगा। अच्छा रेड किंग हमारा घूम रहा सिम्बा के साथ। वे दोनों भाई नीचे टायर में लगे पड़े। लो भाई मुंह भी दिया रेड किंग आजा खाना खाइए। तो गाइस देता हूं ना खाना वाना। ऐसा भाई चिंटू गैंग का नंबर चिंटू गैंग को खाना रखता हूं। ये देखना भाई सारे सारे आ गए। चिंटू पहले डांस करके दिखा डांस करके दिखा। यो भाई डांस कर रहा है बहुत तगड़ा। ये देखना भाई कैसे डांस कर रहा। करे डांस एक बार और करिए। पर कपड़े गंदे कर दिए डांस करने हुआ था कपड़े गंदे करने को ना। लो खालो सारे सारे रहा नहीं जाता। सिम्बा भाई पूरे गुस्से मारा इसके दुश्मन को खाना रख दिया ना। और गाइस ये व्हाइट पिजन सारे दिन हमारे घर पर रहे। आज भाई इसके नाम कुछ घर पर बनाऊंगा मतलब जिससे कि हमारे घर पे बैठ सके रात को भी समझ रहे हो। थोड़ी देर में उसके पास चलूंगा जिसके पास भाई मैंने अपना केज बनवाया था ना डॉग हाउस उसी से पूछूंगा इसका कबूतर का नाम क्या बना सके वो। क्योंकि भाई मैं सब पकड़ना नहीं चाहता। जब भाई जंगलियों की तरह आजाद रहे तो गाइस आजादी रहने देते हैं। इसके नाम का भाई ऐसे ही घर बना देंगे साथ साथ बाकी पिजन के नाम का भी घर बन जाएगा। और गाइस एक बार मेरे मन में आया था पैरोट पालने की बट भाई फिर मैंने पैरोट पालना कैंसिल कर दिया क्योंकि भाई आजाद घूमते हुए बढ़िया लगा ऐसा कैद करके रखने में अच्छा नहीं लगता। बात तो सही है। रेड किंग को देखो भाई कैसा लेट रहा इसके सामने इसकी हड्डी पड़ी बट भाई खाई नहीं रहा। रेड किंग हड्डी खा ला पड़ी नहीं। और गाइस कोई रियली की हड्डी नहीं है कैल्शियम बोर्न है भाई। अगर रियली की हड्डी फेंक दी सबसे पहले तो मेरी हड्डी खाओ यो। केज वाले के पास चलता हूँ जिसके पास मैंने केज बनवाया था। हमेशा की तरह चिंटू ड्रोन मेरे साथ हो गई। अब भाई सा बचना मुश्किल हो जाएगा वरना भाई रास्ते में से गली के कुत्ते पिटेंगे। देखना भाई भाई का हो गया खड़ा। तो गाइस फाइनली चिंटू सा बचता बचता आ गया दुकान पे। भाई करता हूँ खत्म खतलो बढ़ जाएंगे। A few inches later. तो गाइस आ गया घर वापस। और गाइस कल तक इनके स्टैंड बन जाएंगे। वो बैठा भाई मेरे पीछे वही कह रहा था कल आके स्टैंड बना देगा तीन चार। रोको देखो भाई बुलेट के पास आकर खड़ा हो गया। घूमने करने चला गया पहले ठीक हो जाएगा कब चलेंगे नू कह रहा घुमा कर लो बाबू ठीक हो चलिए ठीक हो पे। इसका भाई कभी कभी ज्यादा मन कर रहा बाइक पर घूमने का। रोक्सी समझा रही है नू कह रही रोक्सी ठीक हो जाए पहले। भाई लगे तीनों के तीनों टायर में तीनों के तीनों भाई पागल होगा ग्रीप लगा हुआ पूरी। और तो और भाई रोक्सी रोक्सी को देखो भाई रोक्सी का कौन सा जादू आ रहा है अभी पिटबुल बनेगी। थोड़ी देर ना टायर में लगे रहने देता हूँ फिर भाई ना घुमाने लेकर जाऊंगा। रोक्सी भाई अकेली लगी पड़ी टायर में। रोक्सी वाले टायर में तो ग्रिप मारना दिए टायरों कहाँ फंसा दिया ये मेरी बाइक को ना गिरता है। रोको बाइक गिर जाएगी मेरी। थोड़ी देर में क्या आने लग रहा अपने लैबरा को लेकर फिर भाई ना घुमाने लेके चलेंगे। घूमने जाने को तो वैसा भाई सारे के सारे रेडी हो रहे बट भाई रोको नहीं लेके जाने के। सिम्बा देखना भाई मुंह चाट रहा उसका रोक का। सिम्बा भाई इसके साथ पूरी दोस्ती करना चाहे जिससे कि जिन्हें फ्यूचर इनकी लड़ाई ना हो। बहुत तेज हो रहा है सामने से भाई दुश्मन गैंग वाले लग रही है। दुश्मन देखो भाई कितने तगड़े तगड़े इनके। अरे बाबा दूर करना दूर करना। फाइनली आगे इन सबको लेकर खुला छोड़ नहीं मिलवा सकते इनके साथ दूर दूर से मिलवाना पड़ेगा। उस दिन भाई खुला छोड़ते सिम्बा के ऊपर अटैक कर देता। एक दो दिन मैं इनके पट्टे चैन वगैरह लेकर आऊंगा। देखना भाई सारे सारे टूटे पड़े। सोच रहा भाई अभी के लिए इन सबको खुला छोड़ता हूँ इतना भाई रोमन नहीं आता। चिंटू को देखो भाई कबूतर के पीछे भाग गया इसके पीछे पीछे सारे जा लिए। चिंटू तो भाई 24 घंटे शिकार के पीछे रहे कभी इसका हाथ कुछ लगे। इतना भाई रोमन और टाइगर नहीं आते इतना तो भाई ना आजादी घूमने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। रोमन और टाइगर के आने के बाद तो भाई बांधने पड़ेंगे वरना भाई किसी ना किसी के साथ गुट बच जाएंगे। कोको का देखो भाई जनरेटर चल गया भाग भाग के। तो गाइस अभी चिंटू मेरे पास आ गया। और गाइस थोड़ी देर में कोको आने वाली चिड़की मारी। देखना भाई थोड़ा हल्ला लगाओ करते कैसे करे कोको। ले चिंटू बस बस चिंटू चिंटू आ गई भाई कोको तुरंत आ गई चिड़की बेचारी। कोको ने भाई चिंटू तुरंत देखा मारा छिट जा भाई वाह। सिम्बा को देखो भाई कैसे दबे दबे प्यार जा रहा चिंटू की तरफ। कोई हो भाई सब कर दिया अटैक। सिम्बा भाई कभी कभी तो ऐसा करा जैसा भाई शेयर नहीं करता का। वे सारे के सारे इनके अंदर चिंटू को ढूंढ रहे। चिंटू बाहर आकर खड़ा दिख गया भाई चिंटू फिर से लग गया उसके पीछे। लो भाई जा लिया सिम्बा भी जा लिया। सिम्बा पकड़ सके क्योंकि भाई सिम्बा के लंबे लंबे पैर है ना। बस भाई हाथ आने वाला आने वाला आने वाला आने वाला पकड़ लिया पकड़ लिया। ये भाई चिंटू के साथ कभी कभी तो सीरियस में गुट बजाता है। देखो भाई अभी तो मजाक मस्ती में खेल रहे बट भाई थोड़ी बहुत देर में नहीं सीरियस वाली बज सके। आ जाओ वापस आ जाओ। तो गाइस बहुत देर की होगी नहीं की मस्ती। अब भाई ना बांधता हूँ सिम्बा को और गाइस कोको को बांधता हूँ बिकॉज भाई सामने से रोमन और टाइगर आने लग रहे। और गाइस बांध के मिलवाऊंगा इसे। वैसे तो मुझे पता भाई कोको पूरी चिड़ी चिड़ी है बट भाई रोमन भी पूरा डेंजर है आने लग रहे भाई सामने से दोनों। देखते हैं भाई क्या रिएक्शन होगा। अभी तो भाई खैर मिलवा नहीं रही ना थोड़ा आगे जाकर मिलवाऊंगे। रुको जरा गाइस ये देखो इन दोनों के आपस में नहीं बजती। ये दोनों दोनों भाई एडल्ट मेल है बट भाई इनके आपस में कुछ भी दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई टाइगर थोड़ा शांत हो गया। ओए ओए ओए
खोल लो भाई का तो आमना सामना खुद ही हो गया। दूर दूर से मिलवाओ क्या पता भाई की फाइट वाइट हो जाए, क्योंकि भाई दोनों दोनों पूरे चिड़चिड़े। आगे तो अपनी गैंग चल रही, पीछे से भाई टाइगर गैंग चल रही। बस भाई दोनों गैंग के बीच फाइट वाइट ना हो जाए, वैसे तो भाई पूरा ध्यान रखेंगे, थोड़ा दूर दूर से एग्रेशन करवाओगे। और गाइस अगर ये रोमन को डेली घुमावे ना इसके अंदर से भाई एग्रेशन कम हो सके। ओए ओए पकड़ लिया, रोक्षी को अटैक कर देता भाई ने तो। रुको जरा सबर करो, ओ तेरी चिंटू के ऊपर भी अटैक कर रहा है ये तो भाई, सभी के ऊपर अटैक कर रहा बिना बात में। वैसे भाई टाइगर के साथ मिलवाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई टाइगर बिल्कुल फ्रेंडली है, बट भाई यो बिल्कुल अपोजिट है, यो पूरा खतरनाक है। चिंटू देखो भाई कैसा घूर रहा, चिंटू तू ना गुट बजा दे, क्योंकि भाई चिंटू बिल्कुल खुला घूम रहा। साले को बम से उड़ा दूंगा इसके अंदर तो भाई, पूरा होट ब्लड है, भोकते हुए के तो बाल भी खड़े हो जाकर मर गए। धीरे धीरे कोको खुद ही करंट में आ गई, क्योंकि भाई काफी देर से भोक रहा ना वो, कोको ने कह रही बस बहुत हो गया। ओए आ गए भाई दोनों, पूरा करंट में आ गए। ओए मुझे भाई थोड़ी चिंटू की दिक्कत है, चिंटू ना अटैक करता है, क्योंकि भाई चिंटू बिल्कुल खुला हो गया ना। यो भाई फिल्ले विल्ले के सबके ऊपर अटैक करे, यो ना भाई ये देखता कि पप्पी है फिर एडल्ट है, सभी के ऊपर अटैक करे। कोको 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 बताओगे अभी से, वैसे तो भाई दूर दूर से ही करवा रहे हैं। भाई सब सारे के सारे लगे इसके तो पीछे, टाइगर भी भोकने लगा। अरे टाइगर तू तो इसी की टीम में, पार्टी बदल लिया साला, तू क्यों भोकने लगा? टाइगर नु कह रहा तू गलत काम कर रहा है, इस वजह से भोक रहा है। तो गाइस मेरे हाथ की बजगी बैंड इन दोनों का एग्रेशन करवाने के चक्कर में बहुत हो गया, एग्रेशन और नहीं करवाते बिकॉज भाई चिंटू गुस्से में आ गया थोड़ा। हाँ भाई चिंटू की दिक्कत है, चिंटू ना अटैक करता है, कोको पूरे गुस्से में आ गई जब से भाई का एग्रेशन करवाया ना। ये देखो भाई पट्टे में ग्रिप लगा ली, ये अभी तो भाई पूरी गुस्से है, देखना भाई उतरी उतरी झटके मार रही पट्टे में। इस छोटे से पप्पी को देखो भाई कहां बांध दिया, बिकॉज भाई छोटा सा है, एक बार के में काम खत्म हो जाएगा इसका तो खत्म। रोमन भाई सभी के ऊपर एग्रेशन करे, एक बार के मेला पकड़ लगा। वैसा भाई शांत हो जाएगा अगर इसे प्रॉपर टाइम मिले, कह रहे भाई की रेगुलर घुमाया करेंगे अब से। कोको को भाई यहाँ पे बांध दिया, क्या पता दिक्कत हो जाए। और गाइस सिम्बा को खुला छोड़ दिया, क्योंकि भाई सिम्बा खुद नहीं जानेगा। बस भाई रोमन को नहीं खुला छोड़ते, टाइगर को तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई बचपन से प्रॉपर टाइम मिल रहा ना, इस वजह से इसके अंदर बिल्कुल भी एग्रेशन नहीं है। यो तो भाई थोड़ा बहुत बच्चों के ऊपर भी एग्रेशन करे। क्या बोला तूने? अपनी गैंग तो सारी की सारी साइड होगी, ये देखना भाई छोटा सा भी जा लिया। ये सारे के सारे भाई एक गैंग के हैं, और गाइस वे सारे एक गैंग के हैं। टाइगर को देखो भाई चिंटू के पास जा लिया, लो भाई आ लिया तो वापस आ गया। अगर भाई अभी फ्रेंडली होता है इसे भाई के साथ खुला छोड़ देते, बट भाई थोड़ी देर पहले देख लिया होगा क्या हुआ था। कोको तू क्या कर रही, या भाई लोटी लोटी घास लग रही खान, या डंगर या कोको की बच्ची खा गया अटक गई, फिर उल्टी करा तू, मन नहीं हट जा। थोड़ी देर में ना घर वापस लेकर जाऊंगा, फिर भाई रेड किंग को भी घुमाना। और गाइस देख लो इन दोनों कितनी पक्की आ रही है, कैसा मस्ती कर रहे। जैसा भाई रोक की चिंटू के साथ दोस्ती है ना, ऐसे भाई टाइगर के साथ है इसकी। ये देखना भाई दोनों कैसे मस्ती कर रहे। यो भाई फर्क बचपन से साथ रहने का है, दोनों के दोनों भाई बचपन से साथ साथ खेले कूदे ना, इस वजह से भाई बिल्कुल फ्रेंडली है, समझ रहे हो। और गाइस सामने सिम्बा को देखो भाई कैसा दाब के बैठा है। सिम्बा क्यों दाब के बैठा तू इसे? ये देखना भाई कैसा लोटपोट हो रहे, अरे वाह कितने ज्यादा क्यूट लग रहे। टाइगर को देखो भाई रोकी के पास जा लिया, बट भाई अगर बजनी होती अब तक बज जाती नहीं। कोको खोलते हैं और गाइस घर वापस लेकर चलेंगे, देखना भाई सारे किचड़ में होगी। चलते हैं अपनी गैंग को लेकर घर पे, फिर भाई थोड़ी बहुत देर में रेड किंग को लेकर आऊंगा। देख लो भाई सारे सारे साथ चल रहे, वरना भाई आते हुए तो इधर उधर भाग रहे थे, अब भाई पीछे से दूसरी गैंग है ना, इस वजह से सारे के सारे एक साथ हो गए। भाई दोनों दोनों पास पास ही आगे चलते चलते, वैसे भाई ज्यादा पास भी नहीं ला रहे। ओए कदी बुड़ गए भर ले। देख लो भाई रोमन का सारा ध्यान कोको के ऊपर है, एक बार हाथ में आ जाए तो। कल को एक दोस्त के पास जाऊंगा, उसके पास एक पाकिस्तानी बुल्ली का डॉग है बहुत जाइंट। अच्छा उसकी भाई मैंने वीडियो देखी कल को, भाई लाइव जाकर देखू, बहुत तगड़ा डॉग है। मुझे अपनी बाइक की सर्विस भी करवानी। ओए अलग अलग कर, अलग अलग पास पास आ गए थे भाई ज्यादा। अरे मैं क्या कह रहा था, हाँ तो गाइस साथ साथ मुझे अपनी बुलेट की सर्विस भी करवानी, सर्विस भी करवा लूंगा, और गाइस पाकिस्तानी बुल्ली का डॉग भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तब सीधा घर जाके मिलूंगा, बिकॉज भाई रस्ते में डॉग्स मिले हैं काफी सारे, मैनेज करना पड़ेगा पहले तो गाइस आगे घर पे। अब भाई थोड़ी बहुत देर में रेडिंग को लेकर जाऊंगा, थोड़ा बहुत अंधेरा होने पे। और गाइस वीडियो के एंडिंग भी पे करता हूं, बिकॉज भाई अंधेरे में क्या वीडियो बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।